हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स 12th क्लास के पार्ट 2 के नेक्स्ट वीडियो, जो कि आज के टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में कि अवतल लेंस के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, अवतल लेंस के लिए UVF में संबंध ज्ञात कीजिए, अवतल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/F = 1/V - 1/U। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने उत्तल लेंस के लिए पहले करा दिया है और ये आपका अवतल लेंस के लिए सेकंड वीडियो है इसकी। तो इसका वो बहुत अच्छे से हम समझते हैं और देखते हैं क्या है। आ जाते हैं अपने डेरिवेशन की ओर। अवतल लेंस के लिए सूत्र की स्थापना, तो अवतल लेंस के लिए तो अवतल लेंस पहले ही दे रखा है, तो आपको अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या बना लिया, एक अवतल लेंस बना लिया। अवतल लेंस ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर ही एक क्या रखी है, इस पर एक इसकी वस्तु रखी है AB। मुख्य अक्ष पर कौन सी वस्तु रखी है, ये आपकी AB। और मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली जो किरण है वो दर्पण से, यानी कि इससे जो समांतर चलने वाली जो किरण है इस लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित होती है और ऊपर निकल जाती है। क्यों, ये जो होता है ये उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस जो किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो अवतल लेंस होता है ये किरणों को फैला देता है, अभिसार कर देता है, पता है। तो ऐसे कर अपसार, तो इसीलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं, अभिकृत कर देता है एक जगह, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, ये किरण यहाँ टकराने वाले में कैसे निकल जाएगी, ये किरण ऐसे निकल जाएगी आगे की ओर, समझ में आ गई बात। और इसका जो फोकस है वो यहाँ पर मान लीजिए, और बस इतने ही एक से काम चल जाएगा, ठीक है। F1 कह दीजिए और यहाँ पर आपका F2 कह दीजिए, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ से क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा इधर ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका F2 हो गया। अब देखिएगा, हमने क्या बताई थी कि एक किरण तो F2 से होकर निकलती है और एक उसके केंद्र वक्र जो प्रकाशित केंद्र होता है C से होकर निकलती है। तो देखिएगा ये किरण तो आगे जाएगी, तो ये हम इसका आगे तो कहीं पर ये मिलेगी नहीं, यानी कि इस वाली किरण से हमें मिलाना होता है, यानी कि ये वाली जो किरण होती है ये C से निकलेगी, तो ये इस तरीके से आपका इस वाले C से निकल जाएगी, ठीक है। आप पैमाने से बनाओगे तो सीधी बन जाएगी आपकी, ये इस तरीके से निकल जाएगी। तो अब ये तो आगे निकल गई, ये तो कभी जुड़ेगी नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अब यहाँ पर तो ये वास्तविक में तो कहीं पे नहीं बनेगी, लेकिन अब हम इसको मिलता हुआ मान लेते हैं। मान लेते हैं मतलब ये कहाँ से चली होगी, तो वो किरण कहाँ से चली होगी, इसको थोड़ा सा डेड डेड डस्ट करके और पीछे मिलाते हैं कि ये किरण कहाँ से आ रही होगी, यानी यहाँ से, तो यानी कि इससे ये इस तरीके से हम इसको ऐसे करके कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर काट रही है ये, ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, A'B'। ये जो प्रतिबिंब बना है ये वाला, ध्यान से समझ लेना बस, ठीक है। ये ही प्रतिबिंब है आपका, तो ये बना कैसे है, इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गई बात। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, थ्योरी वही है पहले जैसी, कि माना एक L L' इसको L और L' L L' एक अवतल लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है, AB से चलने वाली समांतर किरण है परावर्तित होकर, यानी ये बिंदु D मान लेते हैं यहाँ पर, परावर्तित होकर वस्तु का सीधा व आभासी प्रतिबिंब A'B' बनाती है, ठीक है। यही थ्योरी आपको लिख लेनी है, एक बार फिर से और बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। माना अवतल लेंस L L' के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है, AB से चलने वाली समांतर किरणें अपवर्तित होकर वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब A'B' बनाती हैं,
बस ये लिख देना थ्योरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बोर्ड एग्जाम में आपको, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन आ जाते हैं। डेरिवेशन में हमने इससे पहले वाले में क्या बताई थी, त्रिभुज छांट में बताए थे कि समरूप वाले, और समरूप की कंडीशन हमने आपको पहले बता दी थी कि दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप में बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मैं कह रहा हूँ कि इस त्रिभुज में दो कोण हैं, एक ये 90 अंश है और ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। वही चीज़ मैं एक ये ले रहा हूँ कि ये 90 अंश बता दिया मैंने, सपोज कर लो, और ये 30 बता दिया, तो ये भी आपका 60 होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि ये नहीं पता, ये नहीं पता, आपको दो पता है, तो तीसरा तो अपने आप में पता हो जाता है। और तीन कोण बराबर हो जाते हैं वो समरूप कहलाती हैं। तो समरूप होने के लिए आपको तीन पे क्यों जाओ, सबसे पहली कंडीशन में जाओ। पहली कंडीशन क्या कि किसी भी दो त्रिभुज में आपके दो कोण बराबर हो जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो इसमें समरूप छांटेंगे। और खास बात, आपको वही त्रिभुज लेने हैं जो पहले लिए थे। त्रिभुज कौन से लिए थे पहले, त्रिभुज ए बी सी व, और त्रिभुज कौन से लिए, सी ए डैश बी डैश, समरूप हैं। पहले वाले में उत्तल लेंस वाले में यही लिए थे। जिन्होंने उत्तल लेंस वाली नहीं देखी है वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि वो विस्तृत जानकारी और ज़्यादा गहरी दी है, और इसमें और ज़्यादा गहरा इसमें बिल्कुल समझ में आएंगे, लेकिन उनको देख लेना क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिएगा क्यों है, देखो ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर ये वाला कोण 90 अंश का हो गया और एक कोण ये वाला हो गया, ठीक है। और ए डैश बी डैश सी, यानी कि सी ए डैश बी डैश में 90 अंश का ये हो गया, और ये कोण यहाँ पर ये कॉमन लग रहा है, कॉमन लग रहा है, नहीं लग रहा था, नहीं यही कोण इसके लिए और यही कोण इसके लिए, तो यही चीज़ यानी दो बार आ रहा है, ये तो अपने आप में बराबर हो गई होगा, सिंपल सी बात है। मैं ऐसे ऐसे समझो कि ये दो त्रिभुज इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, इसमें ये 90 अंश है और ये मान लीजिए 30 अंश है। अब मैं एक लाइन यहाँ से खींच दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी तो बनाएगी ए डैश बी डैश सी, तो इसके लिए तो ये भी 30 रहेगा, यहाँ पर ये 90 अंश, तो जाहिर सी बात है ये भी समरूप होंगे, क्योंकि दो कोण बराबर आ रहे हैं तो समरूप होंगे। तो लंब बट्टे लंब, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, ये हमने प्रतिबिंब बताया था। तो ए बी सी का लंब कितना है, ए बी है, और ए सी ए डैश बी डैश का लंब कितना है, ए डैश बी डैश है बराबर। इसका आधार कितना है, ए सी है, इसका आधार कितना है, ए डैश सी है। पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण लो, दूसरा समीकरण कौन सा, दूसरे त्रिभुज कौन सी ली थी आपने, दूसरा त्रिभुज ली थी हमने कि सी डी एफ टू, सी डी एफ टू व, और एक त्रिभुज लेते हैं हम त्रिभुज एफ टू ए डैश बी डैश, ये देखो समरूप हैं। इसको भी समझो कि क्यों है ये समरूप, समरूप इसलिए हैं कि सी डी एफ टू इसमें 90 अंश, सी डी में 90 अंश ये बनना है यहाँ पे, और ये सी डी इस तरीके से जा रही है एफ टू, तो ये कोण आ गया। दूसरा ए टू ए डैश बी डैश एफ टू, या एफ टू ए डैश बी डैश में 90 अंश का इधर बनेगा, और ये कोण फिर से कॉमन आ गया, ये इस तरीके से बनना है। समझ में आ रही है ना अरे बात, एक बार फिर से और समझ लो कि ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसका चित्र जूम करके, ऐसा समझो। तो ये आपका एफ टू हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो इसमें ये कोण और ये कोण, ये 90 अंश, ये कोण बन गया, और एक रेखा ऐसी तो जा रही है इसमें छोटी सी यहाँ पर बनने का ए डैश बी डैश, तो इसमें 90 अंश ये बन गया, और एफ टू का कोण ये वही रहा उसके लिए, तो ये बन गया ना, बन गया समरूप, तो ये समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गए तो लंब बट्टे लंब, इसका लंब कितना है, सी डी एफ टू, सी डी का लंब कितना है, सी डी, और नीचे इसका लंब कितना है, ए डैश बी डैश बराबर। इसका आधार कितना है, सी डी एफ टू का आधार, सी डी एफ टू का आधार सी एफ टू, और इसका आधार कितना है, इसका आधार होगा आपका एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश, इसका आधार एफ टू ए डैश बी डैश का आधार कितना है, एफ टू ए डैश, यानी इतना आधार हो गया। समझ में आ गई बात, ये हो गया। फिर उसके बाद में हमारी ये दिखाई दे रही समांतर किरणें हैं, तो ये सी डी के, सी डी किसके बराबर होगी, ए बी के, तो सी डी बराबर ए बी, ये हमने बताई थी बात। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डी की वैल्यू ए बी रखोगे तो ए बी बट्टे ये कितना हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश बराबर, और ये कितना है सी एफ टू बट्टे एफ टू ए डैश, ठीक है। अब हमने उसके बाद में हमने ये भी समझाया था कि ये समीकरण एक से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, देखना जरा,
ये समीकरण एक हमें कितना दे रखा, देखना ए बी बट्टे ए डस बी डस, ए बी बट्टे ए डस बी डस, समीकरण एक को जरा ध्यान से देखो तो ए बी बट्टे ए डस बी डस का मान क्या इतना है, बिल्कुल है। तो ये चीज़ यहाँ पर रख दीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो मैं इसकी वैल्यू ये है तो ये चीज़ मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा समीकरण एक से मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, समीकरण एक से ये हो जाएगा कि इसकी जगह पर आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी ए सी बट्टे ए डस सी बराबर, ये आपकी वैल्यू है यह सी एफ टू बट्टे एफ टू ए डस। ये समझ में नहीं आई हो तो फिर से एक बार समझ लो कि यही चीज़ इसके बराबर है। ऐसा समझो कि ऊपर दे रखा है एक्स बराबर वाई दे रखा है और नीचे हम एक सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, हमें एक्स बराबर आ गए थ्री प्लस पाँच और पाँच एक्स प्लस पी स्क्वेयर, तो मैं इस एक्स की जगह पर वाई रख सकता हूँ क्योंकि ऊपर भी तो एक्स बराबर वाई दे रखा है, तो मैंने वाई कर दिया। क्यों कर दिया वाई, क्योंकि इस एक्स का मान ही आप इसको समझो एक्स और ये समझो वाई, तो एक्स बराबर वाई तो एक्स की जगह पर वाई रख सकता हूँ, ये भी एक्स आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये ए बी बट्टे ए डस बी डस बराबर ये है और यही चीज़ यहाँ पर आ गई, तो इसकी जगह पर मैं ये वाला मान इसके बराबर है तो ये रख सकता हूँ, तो वही चीज़ मैंने रख दिया। अब इनके मान पर आ जाओ, आपको पता होगी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f। तो सी ए सारी दुनिया कहाँ से, सी से मापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, और इधर की दुनिया ऋणात्मक और इधर की दुनिया धनात्मक, तो इसमें तो सारी दुनिया देख लो इधर आ रहे हैं तो ऋणात्मक ली जाएंगी, देखो कैसे सी से ए तक की दूरी यानी u तो कैसी ली जाएगी, माइनस के u बट्टे ए डस सी यानी सी से ए डस तक की दूरी, ए डस सी यानी प्रतिबिंब बनना है ए डस बी डस, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है वी, तो ये माइनस के वी बराबर। अब देखो जरा सी एफ टू, सी एफ टू फोकस दूरी, एफ और माइनस लग गया क्योंकि ये सारी दूरी इधर आ रही है। अब देखो जरा एफ टू ए डस, ध्यान से समझना एफ टू ए डस, एफ टू ए डस, एफ टू ए डस की वैल्यू नहीं पता लेकिन सी से यहाँ तक की पता है, कितनी एफ है और यहाँ तक की पता है ये v है यहाँ तक की, तो f माइनस v करेंगे, लेकिन f भी माइनस में v भी माइनस में, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये माइनस के f हो जाएगा और फिर ये बीच में ये माइनस का वैसा आया और फिर माइनस के v, समझ में आई नहीं आई बात, ये इस तरीके से आएगा आपका, क्यों, क्योंकि f माइनस वी करेंगे लेकिन f भी माइनस में v भी माइनस में ले जाए, क्योंकि दूरियां तो इधर है सारी चिन्ह के साथ में ली जाती है, तो सारी दुनिया f माइनस वी, तो ये फॉर्मूला था f माइनस वी, तो f में माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो इधर है दूरी और इधर भी, समझ में आ गई ना, आगे बात इधर ही मापी जा रही है एफ और भी दोनों, एफ में से वी क्यों हटाया, क्योंकि हमें तो ये वाली दूरी चाहिए थी, ये वाली, देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे एक बार पूरा, ये आपका C है, यहाँ पे आपका ए डैस आ रहा है और यहाँ पे आपका F2 आ रहा है, F2 तक की वैल्यू फोकस दूरी होती है और यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब तक की दूरी V होती है और हमें ये वाली दूरी चाहिए, तो इस F2 में से ये वाला काट के फेंक दो टुकड़ा, तो ये वाला बच जाएगा, तो F माइनस वी, F में माइनस लगा दिया, V में माइनस लगाया, ये आपका चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है, माइनस से ये माइनस कट गया, तो u बट्टे v बराबर माइनस f बट्टे माइनस f और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करो v, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो u माइनस f प्लस v बराबर माइनस f करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ और प्लस u और प्लस यू वी बराबर माइनस एफ वी। अब क्या करते हैं, यू वी एफ का भाग करेंगे, यू वी एफ का भाग देने पर दोनों पक्षों में दे दो या तीनों में, मतलब इधर भी उधर भी, तो कितना हो जाएगा, माइनस यू एफ बट्टे यू वी एफ प्लस यू वी बट्टे यू वी एफ बराबर माइनस एफ वी बट्टे यू वी एफ। देखो क्या क्या कट जाएगा, देखो ये आपका एफ है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, एफ है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, एफ से एफ कट गया, वी से वी कट गया, तो क्या बचा, माइनस वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन एफ बराबर माइनस वन अपॉन यू, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वन अपॉन एफ बराबर
ये माइनस वन अपॉन वी, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो वन अपॉन वी और ये माइनस वन अपॉन यू है आपका। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, ये आ गया वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आ गया, यही तो आपको सिद्ध करना था। हाँ जी हाँ बिल्कुल यही सिद्ध करना था, यही फोकस दूरी की और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से दो तीन बार करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अच्छा समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके पास में उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, ठीक है। और इससे बाद में हम आपकी इससे अगले वाली जो वीडियो हैं वो लाने वाले हैं, अब रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र लेके आएंगे, इसके बाद में लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र कराएंगे, फिर उसके बाद में और कराएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, मस्त सी फाइल बना लीजिए, उसमें आप करते रहिए, ठीक है। और जल्दी ही आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी उसके क्या बोलते हैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराने की और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने की, ठीक है। बिल्कुल आपको ये कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना।